ईवीएम का एक कमाल है सर, हालांकि मैं जानता हूँ जितने भी बड़े नेता हैं उनको पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, और शायद उसका कारण ये हुआ कि उन्होंने जमीन पर काम तो किया नहीं, बड़े नेता हैं केवल जात की राजनीति को, पैसे की राजनीति को उन्होंने देखा और सोचा कि हार गए शायद सब लोग हिंदू हो गए। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन का काम किया है, और मैं 15 दिन काम किया, मैंने देखा था, हार जाना तो हो सकता था, और हार की मार्जिन 10,000, 25,000, 50,000 तो हो सकता था, लेकिन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से हारने का कोई कारण वहां दिखाई नहीं दे रहा। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि 1977 में भी जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था, पोलिंग एजेंट नहीं था, उस चुनाव में भी 3 लाख से ज्यादा वोट जीते थे रामविलास जी, जिनका विदेश भूखा मिठा में नाम था, और आज इतने वोटों से हर जगह जीत गए लोग, यह निश्चित ही ईवीएम का कमाल है। और मैं उस दिन से ही मैंने सोच लिया था, और मैंने बिहार में जा करके सभी वहां के पार्टी के नेताओं से बातचीत किया और सबको मैंने निमंत्रित किया कि सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए। मेरा एक स्वाद भी था कि सभी पार्टियां निराश हैं और इसी बहाने सबको इकट्ठा किया जा सकता है, और इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई और खुशी की बात है कि लगभग सभी पार्टी के लोग आए, और सबसे बड़ी खुशी की बात है उदय नारायण चौधरी जी जो वहाँ के बहुत संघर्षशील साथी हैं, वहाँ के स्पीकर हैं, लगे हैं, उन्होंने अध्यक्षता किया मीटिंग का, और उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने बिहार में इस आंदोलन को चलाने का फैसला किया है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, चूंकि चुनाव परिणाम के बाद तो एक शून्यता जैसी हो गई है, और ठीक ही कहा है अरुण जी ने, कुछ लोगों ने तो ये मान लिया कि इसमें ईवीएम का कमाल नहीं है, लेकिन हम लोगों की अपनी मान्यता है कि पूर्ण रूप से ईवीएम का ही कमाल है, जिसके कारण 350 बोलते रहे और 350 लाए, रियल भी 350 का हुआ एनडीए का। तो ये और ये जो वैज्ञानिक खेती, मैं इसको कहा कि वैज्ञानिक खेती की गई है, और इस वैज्ञानिक खेती में जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग है, वो तो एक तरह से गुलाम हो गई, इसलिए आज के तारीख में हम कोई उम्मीद करें चुनाव आयोग से, और माफ कीजिएगा मैं कहूंगा कि मीडिया भी उसी तरह से हो गई है जो सत्ताधारी दल के हाथ में है, पूर्ण रूप से वो उसी बात का प्रचार प्रसार करता है जो सत्ताधारी दल को सूट कर रहा है अभी। इसलिए आज बहुत संकट का समय है, और हम समझते हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा इस पर मुझे भी संदेह लगता है, और अगर होगा तो वही जीतेगा जिसको वो चाहेंगे, दूसरा कुछ नहीं जीतेगा। अपोजिशन में भी जिसको अपोजिशन वो बना के रखना चाहेंगे, ये जो इतना बढ़िया इन लोगों ने व्यवस्था किया है वही जीत के आएंगे, और आम तरीके से तो चुनाव होने की कोई स्थिति नहीं है, बनती है अभी एक, और उस अंधेरे में जो आपने तिनका दिया यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और सबको गांव में जैसे कहते हैं ना, बकरी के बच्चा जैसा पकड़ पकड़ के सबको काट देना, एक एक करके जितने दल के नेता हैं उस सब का ईडीआई ईडी और सीबीआई से पकड़ पकड़ के काटेगा, और तो और आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी के घर का भी तलाशी लेता है, और उनके विधायकों का जो हश्र हो रहा है सबके सामने है, कर्नाटक का हाल सामने में है, गोवा का हाल सामने में है, अब दूसरा मध्य प्रदेश सामने आएगा, पश्चिम बंगाल में हाथ लगाने वाला है, ये सब एक तरह से होने वाला है। अब फर्क इतना ही है कि किसके ऊपर कब हाथ पड़ता है, इतना ही है, और उसका एक ही है कि इन लोगों ने जो निर्णय दिया है नागपुर की करने में कोई हमको संकोच नहीं है, वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन ये पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, वन लीडर फॉरएवर, तो इसमें एक ही उपाय है,
कि हम जब तक जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है, और जन आंदोलन का एक तरीका अभी ईवीएम को लेकर के हम लोगों के बीच में जाना है। जहां तक आपने 22 राजनीतिक दलों की बात कही, एक नहीं कम से कम 7-8 बार हम लोगों ने जाके मुलाकात की, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर देश की तमाम बड़ी पार्टियां थी, और जब जब हम लोगों ने जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बात कही, इतनी गंभीरता से चुनाव आयोग ने हम लोगों की बात सुनी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी मीटिंग से निकले और बाहर तुरंत आदेश आ जाए। इतनी गंभीरता से सुनते हैं कि आप महात्मा बुद्ध की प्रतिमा देखिए और चुनाव आयोग के जो हमारे अधिकारी होते हैं उनको देखिए, आपको लगेगा बिल्कुल अभी तुरंत बिचारे कार्रवाई करने वाले, ऐसा आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि हम ही शायद ज्यादा इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये बड़े बिचारे पवित्र और सब एकदम साफ सुथरे लोग हैं, अनावश्यक हम लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं और आगे भी कुछ नहीं होगा उनसे अगर आप उम्मीद करते हैं। अब आ जाती है बात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में आपने जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली, रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर लिया, उन्होंने मैक्सिमम कह दिया कि एक असेंबली में 5 से ज्यादा बूथ का वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम मशीन का मिलान नहीं होगा। अब उसके बाद चुनाव आयोग के क्या तर्क है और क्या चीजें सामने आई? न्यूज क्लिक्स की जो रिपोर्ट थी, ट्विंक की जो रिपोर्ट थी, सबसे गंभीर रिपोर्ट वो है कि 371 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पे ईवीएम के वोट और वोट जो गिने गए और पड़े वोट उनका मिलान नहीं हुआ, वो आपस में टैली नहीं कर रहे हैं। 371 अगर लोकसभा क्षेत्रों में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए अगर इनका मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी खबर आ रही है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है, मैंने उसमें चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखा और मुझे मालूम था कि उनका कोई जवाब है ही नहीं, न जवाब उनको देना है, उन्होंने किया क्या और वेबसाइट से सारे आंकड़े हटा लिए चुपचाप और इसके आगे कोई बात नहीं बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, अब आप उनसे किसी भी प्रकार के इससे ज्यादा रिलीफ की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया 5 से ज्यादा हम नहीं करा पाएंगे। सवाल ये है तब क्या देते हैं वो लोग? कहते हैं साहब ये लोग टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। पूछना ये चाहिए कि अमेरिका जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, जापान जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, दुनिया के तमाम विकसित देश, तकनीकी रूप से हमसे ज्यादा विकसित देश, उन्होंने क्यों ईवीएम छोड़ दिया? वो बैलेट पेपर पे क्यों आ गए? क्योंकि उनके यहां गड़बड़ियां पाई गई। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया कि ईवीएम असंवैधानिक है, जो एक सबसे बड़ा झूठ चुनाव आयोग ने हम लोगों से बार बार बोला, उसको लेके जरूर उनसे पूछा जा सकता है। और वो झूठ ये था कि जब हम लोगों ने सबसे पहले बोला, पूछा जाके उनसे, जब सौरभ भरद्वाज जी ने असेंबली में उसको करके ईवीएम को कैसे हैक हो सकती है इसका डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया था, जब हम लोगों ने जाके उनसे पूछा कि भाई इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है क्या ये रीप्रोग्रामेबल है, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हो सकता है, चुनाव आयोग ने बार बार कहा कि माइक्रो कंट्रोलर चिप जो ईवीएम की है वो रीप्रोग्रामेबल नहीं है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, ओटीपी है। अभी जो वेंकटेश नायक ने, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी कर रहे थे, वेंकटेश नायक ने जो आरटीआई के जरिए पीएल से जानकारी ली है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जो ईवीएम सप्लाई करती है, उसने बताया कि जो माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज होती है ईवीएम में, जो एक एनआरआई कंपनी अमेरिका की है वो सप्लाई करती है, वो रीप्रोग्रामेबल है। बड़ा सवाल यह है कि अब तक चुनाव आयोग झूठ क्यों बोलता रहा? अब तक चुनाव आयोग ने इतनी गलत जानकारी लोगों को क्यों दी? जो एक साथी अभी हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उन्होंने सिंबल उसमें लगाने के लिए, ईवीएम में डालने के लिए सिंबल डालने के लिए, वीवीपैट में डालने के लिए कुछ कंपनी को हायर किया और वो उसके कुछ लड़कों ने ये काम किया, उन्होंने क्या गड़बड़ी नहीं की होगी या क्या कोई गड़बड़ी करने की संभावना है कि नहीं है, ये पूछना चाहिए। ईवीएम पे जैसे अभी आपने विधानसभा का जिक्र किया, जावेद भाई यहां पर बैठे हैं, राज्यसभा में हम लोगों ने बहस की ईवीएम के ऊपर और जितनी पार्टियां थी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सबने ईवीएम के खिलाफ बोला, सबने कहा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सारी बातें वहां पर रखी गई। 2-2 मिनट का ऐसे मुश्किल से ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं। हाँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलोगे, हाँ 1 मिनट, हाँ 2 मिनट, मतलब इस तरीके से वहां बोला गया कि हम लोग जैसे कोई अपराधी हैं, वहां स्कूल में पढ़ने गए, जैसे वो हमारे चेयरमैन साहब को मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनके खिलाफ उनके पद के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, लेकिन वहां पे 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दिया गया हम लोग। और ईवीएम पे एक बहस हुई,
लास्ट में सबने बहिष्कार भी किया। जीवीएल नरसिम्हा राव जी आज की तारीख में राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी किताब की प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण अडवाणी जी ने, और उन्होंने पूरे देश को बताया था, मैंने उनको धन्यवाद भी दिया राज्यसभा में कि आप दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं, कम से कम हिंदुस्तान में तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को जागरूक किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इन बातों को आप बैलेट पेपर पे अगर देश के चुनाव को लाना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव है जन आंदोलन के माध्यम से। हम लोग पार्लियामेंट के जरिए जो बन पड़ेगा, जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना है वहां हम लोग उठाएंगे इस मुद्दे को मजबूती से। सड़क पर जन आंदोलन के साथियों का जो भी सहयोग समर्थन करना होगा निश्चित तौर पर करेंगे। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जैसे ही आप इसमें बड़े नेताओं को अपने इस आंदोलन में शामिल करेंगे इसके फेल होने की संभावना ज्यादा है, सफल होने की संभावना कम है। ये बात मेरी सुनने में हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन हकीकत यही है। इसको जन आंदोलन बनाइए, इसको घर घर से इसके विरोध में आवाज उठे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले देश की संविधानिक और देश के लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान आपके माध्यम से, आयोजकों के माध्यम से शुरू किया है, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे मित्र संजय सिंह जी ने जो कई बातें बताई उनके कई बातों से मैं सहमत भी हूं। सबसे पहले हम मोदी सरकार चुनके आई और हमको तकलीफ हुई, ऐसे किसी लोगों को अगर लगता है तो ये गलत है। हमारी बात यह है कि लोकतंत्र में हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार। वोट हमको जिसको मारना है उसी को गया तो हमें लगता है कि भैया हमारी सरकार बने। इस बार मोदी की सरकार आने के बाद जैसे संजय सिंह जी ने उल्लेख किया कि 2014 में सरकार आई तो मोदी की लहर थी, लोगों को लग रहा था कि भाई एक नई सरकार आ गई। इस बार 300 के ऊपर इनकी सरकार आने के बाद भी कोई पटाखा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो लोगों की सरकार ही नहीं आई। ये सबसे बड़ी बात इसमें हम सब लोगों को इसको नजरअंदाज हम कोई नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आजादी मिली है वो तो कोई आसानी से तो नहीं मिली है। हम लोग पुनः आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए, जो आज ऐतिहासिक जो मीटिंग यहाँ पे हो रही है ये दोबारा एक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये कोई हम लोगों को सत्ता चाहिए उसके लिए हम लोग नहीं आए। मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी से भी मैंने इसी बात को अवगत कराया कि हम मीटिंग में जाएंगे और हम ये सब बातें रखेंगे। और हमने इस लड़ाई को हम लोगों ने जन आंदोलन के आधार पर ही, जैसे संजय जी ने कहा कि इसको पॉलिटिकल ना करें, मैं उनके बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर पॉलिटिकल होती है तो आज मीडिया भी हमारे पास नहीं है। पहले के जमाने में तो पेपर बनने के बाद मीडिया, प्रिंट मीडिया तैयार होने के बाद बिकता था, अभी तो पहले बिकता है। समय बदल गया है। टीवी में न्यूज कैसे आना चाहिए, इंडिया का टीम हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, मोदी जी जिताएंगे, ये अब टीवी बोलना शुरू कर दिए। जीते या नहीं जीते वर्ल्ड का इशू है, तो हम समझ रहे हैं इस सब बात को, आप समझ रहे हो। और मुझे लगता है कि इस मीडिया हमें साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जब ये जन आंदोलन होगा तो मीडिया को भी सीधा होना पड़ेगा। अगर इसके पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिकल सिंबॉलिक दिख गया, तो ये हार गया करके ये मैदान में आए। आपके मन में जो हमारे बारे में शंका है उस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि हम लोग, मैं तो आप लोगों को ये बताता हूँ कि बीजेपी के सांसद भी, उनको भी पता है कि अगली बार मोदी हमें टिकट नहीं देने वाला, क्योंकि इसको हमारे कितना भी काम किया हमने तो ये अगली बार इसको देना कि नहीं देगा, हमको निकाल के फेंक देगा। जैसे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में एक भी सांसद को दिया नहीं, इन्हें कई साल काम किया, अच्छा डेवलपमेंट किया, निकाल दिया नए लोगों का लाया, उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे चुन के आएंगे, पूरे के पूरे चुन के आगे। तो उनके भी लोगों का डर है, उनको भाई बहुत खुशी है, मोदी और अमित शाह तो इनको बेचारा खुशी है। और इसलिए ये सब समय में अगर ये जन आंदोलन होता है तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई सही लाइन में जाएगी और मीडिया भी सीधा होगा। और जो मीडिया सीधा नहीं होगा तो उसको, अभी तो बहुत से लोग
कांग्रेस पार्टी ने तो हम लोगों ने अभी तो डिबेट में भी जाना बंद कर दिया, तो टीआरपी कम हो गया, वो टीवी वाले बता रहे हैं हमारा कि हम लोग अब ऐसे करना पड़ेगा कि भाई हम वास्तविकता अगर आप तो समाज को नहीं दिखाओगे, लोगों को नहीं दिखाओगे, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ में अगर प्रॉपरली काम नहीं किया तो हम तुम्हें भी बहिष्कृत करेंगे। ये ताकत इन जनरलों में बनना चाहिए, तब कहीं हम लोग ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान को हम बचा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र के अंदर जन आंदोलनों का एक दबाव है, होता है, होना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में जिन लोगों से हम लड़ने जा रहे हैं उनके ऊपर जो अब तक दबाव जन आंदोलनों के बनते रहे हैं उससे भी ज्यादा तीव्रता से जन आंदोलन होंगे, तभी हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता सरकार दबाव में आ सकती है और कुछ सुधार की उम्मीद है। आमतौर पर होता यह है जन आंदोलनों के साथ कि कई बार तो उसे राजनीतिक दल हड़पने की कोशिश करते हैं और कई बार जन आंदोलन इतना एंटी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं कि अगर कोई उन्हें सहयोग भी देना चाहता है तो वो दूर से ही अरे ये हमारा मिसयूज करने के लिए आ गए हैं, हमारा दुरुपयोग करने के लिए आ गए हैं, ये अपना स्कोर में अनुभव है। मैं भी राजनीतिक जन आंदोलनों से जुड़ा रहा हूँ, इस आप जैसे नॉन पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएटेड जन आंदोलनों से मेरा ताल्लुक ज़्यादा नहीं रहा है, उनसे तो बस थोड़ा दुआ सलाम रही है, लेकिन पॉलिटिकल झंडे के नीचे चलने वाले जन आंदोलनों से मेरा ताल्लुक रहा है, तो मैंने ये अनुभव किया है। लिहाजा इसमें जो है बीच की स्थिति, क्योंकि ये मसला अल्टीमेटली लोकतंत्र को तो इफेक्ट करेगा ही, उसको तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन राजनीतिक दलों का भी भविष्य इससे जुड़ा हुआ है और बहुत जटिल मसला है। आप लोग जैसे मैडम ने कहा या कई साथी हमारे कहते हैं कि राजनीतिक दल इस पर खुल करके स्पष्टता क्यों नहीं आते, देखिए ये टेक्नोलॉजी का मसला है, बहुत जटिल मसला है और राजनीतिक दलों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बारीकियों को समझ करके कोई स्पष्ट पोजीशन इस पर ले सकते हैं। वहाँ भी एक थिंकिंग प्रोसेस मेरे ख्याल से तो हर पॉलिटिकल पार्टीज में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सब ने ये कह दिया हो कि ईवीएम जो है ख़राब हो ही नहीं सकती है, लेकिन हाँ ये विचार भी है और मैं भी बड़ी मुश्किल से कन्विंस होता हूँ कई मामलों पर, लेकिन ये बात सत्य है कि जितनी शंकाएं, जितने इल्जाम ईवीएम के साथ जुड़े हैं वो अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा करते हैं, ये बात हमें सबको सोचने पर ये मजबूर करती है कि इसके अंदर कोई ना कोई खेल है जरूर, वरना जैसे संजय भाई ने बताया कि जहां भी ईवीएम की कोई गलती पकड़ी जाती है उसका फायदा बीजेपी को पहुंचता हुआ दिखाई देता है, तो ये बात हम लोगों को इस बात पर मजबूर करती है कि हम ये कहें और माने इस बात को कि ईवीएम किसी एक विशेष दल को मदद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बहरहाल जिस स्तर पर राजनीतिक दलों के समर्थन की आपको आवश्यकता होगी, जिस समय पर राजनीतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता आपको होगी वो आप तय करेंगे और मैं भी अपनी पार्टी में कोशिश हम ये करेंगे कि कल ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो जाए, क्योंकि वो कल दिल्ली में रहेंगे और मैं क्या करूंगा, मुझसे ज़्यादा तो डॉक्टर सुनीलम और कल्याण जैन जी हमारे यहाँ नेता पार्टी के मौजूद हैं, ये लोग भी उनसे संपर्क करके और जो भी संभव सहायता संभव सहयोग कितना आगे से कितना बिना चेहरा दिखाए हुए संभव होगा मेरे ख्याल से करने के बारे में एक सहमति मेरे दल में मुझे नज़र आती है। इन्हीं शब्दों के साथ में पहली बात तो आंदोलन और पार्टियों के मामले में संजय जी ने स्पष्ट कर दिया। मैं ले जाना चाहूंगा आपको 1974 में छात्र आंदोलन में। आज मुझको लग रहा है कि मैंने जब इंदौर मध्य प्रदेश में गुजरात के 7 छात्रों को सिर्फ
गुजरात में रोटी में कंकड़ है और विद्यार्थी सड़कों पर उतरा, उनको लेके जब मैंने स्कूल कॉलेज और कार्यालयों में भाषण कराए चुपचाप, तो सातवें दिन इंदौर का एसपी आके कहता है मैं आपके हाथ जोड़ लेता हूँ, इनको इंदौर की सीमा से बाहर करो। उसने तब कहा जब समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि आप उनको अंदर करने की बात क्यों कर रहे हैं, विधायक ने कहा, सांसद ने कहा, तो वो बोले ये छात्रों ने अंदर ही अंदर आग लगा दी। मेरा कहना है ईवीएम को लेके वास्तव में हम राजनीतिक दलों को बाद में लाएंगे, पहले जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हम इसको उठाएं। दूसरा सुझाव टेक्निकल बात को लेके, हम भी ईवीएम मशीन कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, करें। जितने भी संभागी जिलों के प्रेस मीडिया के लोग हैं उनके बीच में टेक्निकल आदमी को, बढ़िया लड़कों के एक्सपर्ट को ले जाके क्या गड़बड़ी हो सकती है इसको हम प्रैक्टिकल उनके सामने दिखाने का काम 9 अगस्त को कर। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि जो पुराने तरीके हो गए अब नए तानाशाहों से नए तरीके से लड़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हमको अब नया तरीका ये आजमाना है कि लोग ऐसे भी मिले हैं जो बोले आप भाई साहब जो या संजय जी जो बोले आप बोली से काम नहीं चलेगा, वो बात करते हैं उनकी कि अब हमको इसका जवाब शायद जनता को जो हिटलर शाही हो रही है वो कोई दूसरे तरीके से आएंगे, बोले आपका गांधीवादी लोहियावादी तरीका बदलना पड़ेगा। चौथा मेरा ये कहना है मित्रों, राधा जी ने हम सबसे अपील की, सुनीलम जी को तो बधाई इसलिए देना पड़े कि इतने सारे लोगों को हम बहुत वर्षों से एकजुट नहीं कर पाए, बुला नहीं पाए, तो इनको जो हम सबको इकट्ठा करने की इनकी शक्ति है इसके लिए एक बार ताली बजा के इनका धन्यवाद अदा करें। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इतने जल्दी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन पब्लिक क्राई जो होना चाहिए जोर शोर से, इतना पब्लिक क्राई पूरे जिले जिले में महाराष्ट्र के देश के कोने कोने में होना चाहिए। और ये जो आंदोलन है ये आंदोलन से ही प्रॉब्लम सामने आना चाहिए और वो छूटना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी के ऊपर टीका नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ बोलना चाहती हूँ, हमारे जो साथी है ये मुंबई वाले और ये हमारी ज्योति है, हमारे मिट्टी बोरवाला जी फिरोज भाई है, तो मैं इनको बोलूंगी कि राजकीय नेता के भरोसे ये आंदोलन मत करो। अपने हजार जो हजार तुम लाएंगे उसी के ऊपर आके भाषण करेंगे, निकल जाएंगे, अकेले अकेले आएंगे, कोई भी अपने साथ अपना मॉब लेकर नहीं आएगा। भाई मैं आपका एक आंदोलन का अनुभव नहीं बोल रही हूँ, ये सुनीलम लोग जमा करता था और वो आके भाषण करते थे किसान आंदोलन में, हमने देखा है, सही बात। अपना मॉब लेकर वो कभी नहीं आते, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी ताकत के ऊपर ही 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, अपनी ताकत के ऊपर ही आपको लड़ना पड़ेगा। वो जब उतरेंगे तो देखेंगे, उतरने के बाद उनका स्वागत करेंगे हाथ भीड़ लेकर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, पहली बात सुनीलम जी हमारा आपको एक सुझाव है कि एकदम 9 अगस्त को करने के बजाय अभी और 15-20 दिन हमारे हाथ में है, साधारणता 3 हफ्ते तो है हमारे हाथ में। देशव्यापी जहां जहां हमारे जन आंदोलन की ताकत है वहां वहां एक दिन का धरना कम से कम जिला स्तर पर हो सकता है तो करो, नहीं तो विभागीय स्तर पर जैसा हमारा डिवीजन औरंगाबाद है, जैसा औरंगाबाद में 5-6 जिले का कर सकते हैं 150 लोग। एक मैसेज देना चाहिए लोगों को कि हम अभी इस लड़ाई हमने जारी की है,
एकदम डायरेक्ट 9 अगस्त को ही करना, और वो मुझे लगता है कि उसका जरा थोड़ा गलत हो सकता है। 9 अगस्त का भी क्या करना है वो क्लियरिटी से यहाँ पर बोलना चाहिए। आपने कल का एक 9 अगस्त का वहाँ समागम का भी चर्चा किया है, अब ये भी एक आंदोलन का वो वहाँ आया है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा क्लियरिटी लाना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आंदोलन को आप अपने हाथ में रखें, हम जैसे जो लोग आए वो उसमें आपको ताकत देने का काम करें जितनी दे सकते हैं, और जब ये पूरा आंदोलन बनेगा मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां चुप है भी अभी वो अंदर अपने कमरे में बैठकर तो बात कर रही हैं, लेकिन खोल के सामने जिस तरह आना चाहिए था अब तक आ जाना चाहिए था उस तक नहीं आई है, वो अपने आप आ जाएंगी, लेकिन उनके भरोसे पर छोड़ा नहीं जा सकता। जैसा मैडम कह रही थी हमें तो चुनाव लड़ना नहीं है, लड़ना तो जीतेंगे नहीं, जमानत जब्त होगी, ये बात नहीं है। सवाल चुनाव लड़ने का नहीं है, सवाल है देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, देश की अस्मिता को बचाने का, तो देश में मानवता को बचाने का। जिस दिशा में देश चल पड़ा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, उससे बचाने के लिए जो जागरूक लोग हैं उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। तो मुझे कोई लंबा भाषण नहीं देना, मैं जो संजय जी ने बात कही है उन्हीं बातों से मैं भी सहमत हूँ, और मैं जब संगठन हमारी पार्टी उतरेगी तब तो उतरेगी, बाकी हम तो व्यक्तिगत और अपनी पूरी टीम के साथ हम पहले से उतरे हुए हैं और आगे भी और ज्यादा ताकत के साथ उतरेंगे, और हर प्रकार का सहयोग तन मन धन जो हमसे बन पड़ेगा हम हर हालत में उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड, वी हैड अ डिबेट इन पार्लियामेंट इन राज्यसभा, पॉलिटिकल पार्टीज डिड एक्सप्रेस देयर व्यूज, द क्वेश्चन ऑफ ईवीएम्स इज रेज्ड इन अ पर्टिकुलर context. The context is the present election commission does not function as an independent, neutral constitutional body. That is where the doubts arise. Even the EVMs are questioned. I am not making any allegation. This is a caution. Caution given by the person whom we all now admire, and he is the prime architect of our constitution, Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar made this caution. The election commission should function independently without any interference from the executive of the day. Now, that is being questioned. So the EVMs are also questioned. In fact, the EVMs VVPAT matching. We went to court. Our party, the CPI, is party to that case. We went to Supreme Court. I was present when the order was passed. We were asking if there is discrepancy between EVMs and VVPAT, the whole assembly segment should be taken for committee. This is what we said. But Supreme Court didn't agree. Supreme Court said only 5 polling stations. You can, if there is some discrepancy in those 5 polling stations, what to do? Supreme Court didn't hear. We went back to the Election Commission. Again, we knocked at the door of Election Commission. Within the powers that the Election Commission has today, Election Commission can take decisions. We said Election Commission did not listen. Now the question is raised, EVMs can be tampered. This issue was raised in the past also, and the Election Commission used to reply, not this present Election Commission, even the previous Election Commissioners. They used to give an answer, the EVMs are manufactured by public sector companies. They are manufactured by public sector companies. And only the chips are imported from other countries, particularly Japan. This is what the Election Commission used to say. Even at the time of counting, if the EVMs are damaged, destroyed,
you will not lose the data. The data will be stored in the master computer. That's what the Election Commission was saying. Then this VPPAT was introduced. So there are problems. I am not getting into technology of all these things. Now, what is the political question? After all, political parties must come together and there must be a consensus, national consensus on this issue. Whether we will retain EVMs or we will go back to paper ballots, this question has to be decided on the basis of consensus. There is no consensus, I bet. There is no political consensus. There is no consensus at national level. And particularly the party in power doesn't agree. The party is in power, doesn't agree. Now they have huge number in Lok Sabha, 303. With allies, the number goes up. In a few days or in a short time, they may get majority in Rajya Sabha. Whether parliament will remain as a parliament visualized by Dr. Ambedkar, I have my own doubt. As a Communist Party of India, we will stand up to any challenge and we will take up any challenge. We will fight. That's a different thing. But here, among activists, among many learned persons, I am making this point. There is no national consensus among political parties. How to build a national consensus? That's what we should think over. And either way it can go. That's what I am making the position clear. As far as my party is concerned, as you said, the last para talks about appealing to we appeal to all political parties to urgently recognize the threats posed by the manipulations of EVMs. So my party will give due consideration to this appeal. We will discuss within our party, we will consider why this appeal is made. There must be some genuine concern. We should think about, we will discuss, we will give due consideration to this appeal. We will give due consideration to the issue which is being raised in public domain. And we will also discuss among the left parties, among other parties. We will see how best we can create a consensus. Because after all, elections must be free and fair. That is the core of parliamentary democracy. की बात करने वाला और सत्य की बात करने वाला गांधी जी भी दिया और असत्य की बात करने वाला समझ गए आप। मैं ये चाहता हूं कि 9 अगस्त से गुजरात के अंदर मैं आपको शौर्य देता हूं। गुजरात के 26 बीजेपी के सांसद हैं, हर दिन एक सांसद के घर का घेराव करेंगे। और अभी जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से हम लोगों को दावत दिया गया था बात रखने के लिए, जिसके लिए आयोजन जो किया है उनको शुक्रिया। हम लोग बहुत दिनों से, ये सिर्फ ईवीएम का सवाल नहीं है, ये जो चुनाव का प्रक्रिया हो रहा है और ये चुनाव के प्रक्रिया में बहुत सारे अलोकतांत्रिक जो बातें आ रही हैं, इसको परिवर्तन करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए बात उठा रहे हैं। मैं ईवीएम पे आने के पहले मैं आप लोगों का ध्यान इस बात के लिए खींच रहा हूँ कि देखिए, राजनीतिक पार्टियों का फंडिंग का जो व्यवस्था अभी आ गया है, मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे बातें हो रही है, लेकिन अगर इस बात को हम स्वीकार ना करें कि जितना पैसा इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है,
वो अपने आप में हमारे देश में लोकतंत्र और खास करके चुनावी लोकतंत्र के लिए खतरा है, और उस पैसे के बलबूते पर अगर हम चोट नहीं कर सकते हैं तो कितना लोकतांत्रिक होगा हमारी चुनावी प्रक्रिया, वो बहुत बड़ा सवाल या निशान है। एक भाई साहब बोल रहे थे आरएसएस बना लेते हैं बूथ वाइज, तो अभी चुनाव तो छोड़ दीजिए, चुने हुए लोगों को खरीदने के लिए वो जो जितना खर्चा कर रहे हैं इन दिनों में हम देख रहे हैं, तो इसलिए ये कुछ हद तक खोआबी पुलाव पकाना जैसा होगा कि हम इस इतना बड़ा यंत्र को, मतलब ये जो पैसे वाली सवाल है, ये कॉर्पोरेट फंडिंग अगर खत्म ना किया जा सके मुश्किल है, मतलब जो भी सिस्टम हो। इसीलिए मेरे ख्याल में ये ईवीएम विरोधी जो अभियान है, मतलब ये आप लोग तैयार किया है, बहुत प्रशंसनीय पहल है, लेकिन हम आपको ये सुझाव देंगे कि अगर मतलब कॉर्पोरेट फंडिंग खत्म करने के सवाल को अगर हम जोड़ नहीं सकते तो ये मुश्किल है। 2019 के चुनाव के बाद का जो रवैया है, इसका मुकाबला करने के लिए किसी एक संस्था को या किसी एक नेता के हिताकृत से ये काम बनने वाला नहीं। जो आपने फैसला जो लिया है, इसमें जो नॉन पॉलिटिकल संगठन हैं वो सियासी जमातों की सपोर्ट से मिलकर के ही एक अभियान चलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में उनकी मिलिटेंसी है और वहाँ पर किसी सियासी सरगर्मी के लिए बहुत सीमित गुंजाइश है। जम्मू एरिया है जिसमें कुछ काम किया जा सकता है, वहाँ कई क्षेत्रों में हमने काम जारी रखा है, और तो इस मूवमेंट के लिए भी वहाँ पर भी लोगों के अंदर इस बात का काफ़ी चर्चा है कि जहाँ उनको बीजेपी को चंद सीटें मिलती थीं तो उन्होंने पिछले चुनाव के अंदर वहाँ 25 के करीब सीटें असम्बली की जीती थीं और 3 पार्लियामेंट की सीटें भी जीती हैं, और वहाँ भी इस बात की बहुत सी चर्चा है कि जहाँ उनको जितने वोट मिलने थे उससे डबल कैसे निकले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो ये पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह का ताना बाना है तो ये चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन इसका उपाय ढूंढने के लिए जिस तरह का शुरुआत हुई है मैं समझता हूँ कि इसको सबका समर्थन हासिल होना चाहिए, और हम भी वहाँ चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसके बारे में लोगों के अंदर जाएं, और 9 अगस्त के प्रोग्राम के लिए और आगे के प्रोग्रामों के लिए हम उसके लिए तैयारी करें। सियासी पार्टियों के बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि वो उस फंक्शन में आएँगे, लेकिन वो किसी तरीके से श्रीनगर से नहीं आ पाए, वो कल सुबह आ रहे हैं। तो लेकिन इन हालात में मैं समझता हूँ कि क्या सियासी संगठनों का काम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनस्पत इसके कि सियासी पार्टियाँ जो आजमाई हुई सियासी पार्टियाँ हैं, लोगों को विश्वास नहीं बनता, वो समझते हैं कि ये अपनी सियासी दुकान चमकाने की बात करते हैं, विश्वास नहीं बनता है। ऐसी हालत में जिस जो जो सजेशन यहाँ आई हैं, खासकर संजय सिंह जी और जावेद साहब और बाकी दूसरे दोस्तों की, और इस वक्त जो हमारे CPI के नेता साहब आए थे या बाकी दोस्त आए जिन्होंने जो सुझाव दिए हैं, मैं समझता हूँ कि इनको अमली शक्ल देने की ज़रूरत है। इन पर ज़्यादा बहस करने के बजाय इन पर इसको ठोस एक मूवमेंट की शक्ल कैसे बन जाए, एक मूवमेंट बनाने की ज़रूरत है और देशव्यापी मूवमेंट बनने की ज़रूरत है। मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी के तौर पर लगातार EVM का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था 1999 से। निलोत्पल बाबू यहाँ बैठे थे तो सही कह रहे थे कि एक भी चुनाव आयोग की ऐसी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज की जो पिछले 20 साल में मैंने मिस की, और आज जो देश में स्थिति है उसके लिए
मैं समझता हूं कि हम सब लोग जिम्मेदार हैं जो पॉलिटिकल क्लास के लोग, जब अपने पे पड़ती है बस तभी बोलते हैं। अभी स्टेट फंडिंग की चुनाव सुधार की बात हुई है, मैं समझता हूं कि पहली बार इस देश में कॉरपोरेट्स को फंडिंग अलाउ करने का बिल कब पास हुआ था? मेरे ख्याल से यूपीए वन में, जिसमें लेफ्ट का भी समर्थन था, बिना उस समर्थन के वो सरकार चल नहीं गई। और आदरणीय देश के बड़े विद्वान जिन्होंने नागपुर में जाकर एक देश के बड़े राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दिया, जिनको वो साहब जो हैं पूर्व राष्ट्रपति जी देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब इस देश में पहली बार 7.5% कोई भी अपने प्रॉफिट का, कोई भी कॉरपोरेट हाउस, कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते, ये बिल तब पास। एनडीए ने आने के बाद उसमें और अमेंड कर दिया, बोले साहब वो तो कम से कम आरटीआई में पता चल जाता था किस कॉरपोरेट हाउस ने किस पार्टी को कितना फंड दिया, हम इसको छुपाना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स इशू करना चाहते हैं। 4,400 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स 1 मार्च 2019 से, और मेरे ख्याल से वो जो पीरियड होता है उसका 60 दिन का पीरियड होता है, इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेचे हैं 4,500 करोड़ के खाली इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। मैं तो नहीं समझता यहां जितने लोग अभी तक बोल के गए उसमें से 5% भी किसी पॉलिटिकल, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर अगर 5% भी मिला हो, और मैं डॉक्टर साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात, आपने याद दिलाया मुझे, मैं आज भी कह रहा हूं, और मैंने लोकसभा में कहा पहले दिन, मैंने कहा ईवीएम की सरकार है, मैंने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के जब मैं बात कर रहा, ईवीएम की सरकार, और जब उधर से शोर मचा बोले आप भी ईवीएम से जीत के आए हैं, मैंने कहा मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जब मैं सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकला मुझसे मीडिया वालों ने पूछा तो मैंने कहा भले ही मैं ईवीएम के जरिए इस चुनाव के रिजल्ट का सर्टिफिकेट ले रहा हूं, लेकिन मेरा पहला काम लोकसभा में जाकर के ईवीएम विरोधी जन आंदोलन को मजबूत करना। मेरा इंडिविजुअल जीतना कोई मैटर नहीं करता, लोगों का देश के लोकतंत्र पे से विश्वास उठ रहा है वो बड़ी चीज है, और इसलिए मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात करता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं दोषी हैं। 2004 में जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन चल रहा था और सारे ओपिनियन पोल्स टीवी चैनल्स पर आ रहे थे, तो मुझे याद है हम लोग अपोजिशन पार्टीज के बड़े लीडर सब चुनाव आयोग गए थे कि साहब ये ओपिनियन पोल्स बैन किए जाए, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स बैन किए जाए। और उस डेलीगेशन में जो व्यक्ति, जो लोग शामिल थे पार्टीज के, उनमें से एक व्यक्ति इस देश का कानून मंत्री बन गया है एक महीने बाद, जब चुनाव, दो महीने बाद जब चुनाव हो गए, और जब वो फाइल, हमारा मेमोरेंडम जिस पर उनके भी दस्तखत थे, जब वो फाइल चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को भेजी, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री इज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो उन्हीं साहब ने कहा नहीं 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 ये ओपिनियन पोल नहीं बैन करने चाहिए। बहुत जोर लगाया जब इलेक्शन कमीशन ने, तो एग्जिट पोल जो फेजेस में आते थे सिर्फ उसको बैन किया,
जब अगली मीटिंग में हमने पूछा चुनाव आयोग से कि साहब हमने दे दिया था, ये क्यों नहीं हुआ? बोले साहब हम रिकमेंडेशन सरकार को कर सकते हैं, तय करने का काम तो पार्लियामेंट और सरकार का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी कब्र खोदने का इंतजाम खुद किया। लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। हम तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी पुरानी पार्टी के मेरे अभी रिप्रेजेंटेटिव यहां बोलेंगे कौन से पाटिल साहब, मैं इंतजाम करके आया था पार्टी चले। पार्टी से जाने के पहले मैं इंतजाम करके आया था कि एक अच्छे इंसान को वहां इस काम के लिए छोड़ जाऊं जो उस लेगेसी को आगे लेके चलता रहे। और मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मुद्दे पर हमारी पार्टी ईवीएम के मामले पर अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर रखे हुए कि हम चाहते हैं सीधा बैलेट पर वापस आए। इधर उधर की बात करने से काम चलेगा नहीं, लाइन क्लियर लेनी पड़ेगी। वो जरा सा इधर उधर भी तो काम कर लेते हैं। अगर एग्जिट पोल को टोटली बैन कर दिया जाता, क्या है ओपिनियन पोल्स, मैं कहता हूं ओपिनियन मेकिंग पोल्स है, एग्जिट पोल्स जो है वो लोगों की ओपिनियन क्रिएट करने के लिए कि जो आपने ईवीएम के माध्यम से जो गड़बड़ी की है, जो फ्रॉड किया है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए लोगों का ओपिनियन दो दिन पहले बना देते हैं कि साहब ये ट्रेंड आ रहे हैं, ये होने वाला है, पीपल विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट वर्डिक्ट। कहीं सन्नाटा पूरे मुल्क में था। तो आप सब लोग मेरे से ज्यादा विद्वान लोग यहां बैठे हैं, मैं तो एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। आप लोग जो तय करेंगे, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मेरी मेरी पार्टी की जो भी छोटी सी भूमिका इसमें होगी उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ना हमें इलेक्शन कमीशन मदद करेगा, हमें जनता के कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हम सब लोग ने वो एग्री किया है, हमने पहले मुंबई में शुरू किया, ये सब हमारे युवा लोग हमारे साथ थे। और पहला जिस दिन मोदी शपथ ले रहा था उसको हम आह्वान दे रहे थे कि भाई तू ईवीएम की सरकार है, तू चुनी हुई सरकार नहीं है, तो तू हमारा पीएम नहीं, ईवीएम का पीएम है, ये हम उस दिन बोल रहे थे। 2002 से हम मोदी के इतिहास लोगों को बोलते रहे। हम अभी इट लिस्ट पर है, जो अभी जेल में लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कोलशे मंडल हमारी इट लिस्ट पे था, दो बार अटेंड किए लेकिन वो जिंदा है। तो शायद मालूम नहीं शाम तक हम मिले न मिले, लेकिन हम सबको, हम सब मिलके जनता के कोर्ट में जाके हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। और जैसा अभी उन्होंने बोला कि मेरी पार्टी, मेरे व्यक्ति, मैं आपके साथ हूँ और लड़ने को तैयार हूँ। मैंने कहा कल इनको भी जहाँ भी लड़ाई करनी है, जेल में जाना है, मैं पहले जाने को तैयार हूँ, क्योंकि जेल में जाने में आने में मैं एक्सपर्ट हूँ। जज होते हुए भी मैं जेल में गया, पुलिस कस्टडी में रहा, अभी भी हम जेल में जाएंगे। लेकिन डर एक बात का है, कांग्रेस राज में हम जेल में जाते थे तो वहाँ कोई मारेगा नहीं, ऐसी कभी शंका ही नहीं आई थी। लेकिन आज जो जेल में जाते हैं तो वो वापस जिंदा भेजेंगे कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने गुजरात की इतिहास ऐसा ही है को जो जिसको अंदर लिया उसको मार दिया, या पुलिस से हाथ से मार दिया, या एनकाउंटर कर दिया, तो भी हम डरते नहीं। हम आपके साथ डट से रहेंगे, आपके साथ काम करेंगे। हमने एक ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है, पुणे में हम थोड़ा थोड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं और मुंबई में भी हम कर रहे हैं। ये जो शुरुआत हुई वो
दानिशाली को बोलना पड़ता है बोलूँगा कि ये हमारे जनता दल के ऑफिस में शुरू हुआ, मीटिंग हुई पहली और उससे हम आंदोलन शुरू किया। जो हमारे जिस तरह के एक्शन प्लान है उनमें पोस्ट कार्ड तो है ही, हम वहाँ पर लोकल लेवल पे अभी 15 अगस्त को हमने प्लान करा था, पर हम 9 अगस्त को भी कर सकते हैं उसको, संविधान एक शाम संविधान के नाम। और हम ये इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि इस देश का अगर संविधान जिंदा है तो एक राष्ट्र की जो संप्रभुता है वो जिंदा है। देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश में जो है इस तरह की मशीनों की टेम्परिंग के लिए कोशिश हो गई है। इस देश में ऐसे लोग गटर में मर रहे हैं, उनके लिए कोई मशीनें नहीं है, तो ये इस देश की बड़ी विडंबना है। मुझे लग रहा है कि हमें इस दिशा में ये जो रेवोल्यूशन है एक तरह का एक पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। और इसको इसको मैं थोड़ा सा बताना कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सुनील जी आपसे थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन देना चाहूंगा कि ये जो लोकल लेवल पे लोग हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ वहाँ एक अविश्वास का सा माहौल है सच में। जहाँ जिस मेवा के इलाके में अलवर में मैं हूँ वहाँ मॉब लिंचिंग हुई है और जिस तरह का माहौल वहाँ पे बन रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से ये ईवीएम की टेक्नोलॉजी है उसमें लोगों का थोड़ा सा विश्वास बने कि हाँ इसकी चोरी हो रही है, ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ में कुछ हम 15-15, 20-20 युवाओं के साथ में चर्चा करेंगे इस तरह कुछ पानी के साथ में। थैंक यू जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ा करके इस मीटिंग को कन्वीन किया। अगर ये हाउस ठीक समझे तो उन लोगों को अधिकृत कर दे कि वो एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति बनाने का वो काम करें, और साथ में उस राष्ट्रीय संचालन समिति में ये जो 16 राज्यों के जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है संयोजक के तौर पर वो लोग भी शामिल रहें ताकि पूरे के पूरे 16 राज्यों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ये मेरा एक प्रस्ताव है, इससे अगर आपकी सहमति हो तो आप हाथ खड़ा करें, है ना। ये एक प्रस्ताव ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन है, उसके साथ में जो भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ता है इस स्पेसिफिक डिमांड के साथ में, नो इफ्स एंड बट्स, है ना। जो जिसको लगता है कि ईवीएम को हटना चाहिए और मतपत्र वापस आना चाहिए, केवल और केवल वो ऑर्गेनाइजेशन इसकी एक हम लोग राष्ट्रीय परिषद बनाए, वो उसके सदस्य बने। हम लोगों का जब ये चलेगा तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आएंगे, आप सब लोग जो हैं आप सबके बहुत सारे कांटेक्ट में आएंगे, जिले जिले के स्तर के ऊपर संगठन काम कर रहे हैं। हम हर क्या प्रतिनिधि एक नेशनल काउंसिल के अंदर पूरे देश से रखें, और वो जैसे 16 का तो अभी तुरंत ही हो गया है आपके सामने, राष्ट्रीय कमेटी तो तुरंत ही बन जाएगी, अभी सब जब बैठ करके हो जाएगा तो वो तुरंत बन जाएगी, है ना। और उसके बाद में हम एक नेशनल काउंसिल जो है उसका भी हम लोग गठन कर लें, और 9 अगस्त के पहले जो एक प्रस्ताव आया था कि कम से कम एक धरना तो हमारा इसी मुद्दे को लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो ही जाना चाहिए, और जो संजय सिंह जी का प्रस्ताव आया था, ये प्रस्ताव तो सुशीला जी का था कि एक धरना हो ही जाना चाहिए, और संजय सिंह जी का जो प्रस्ताव था कि एक ज्ञापन और एक प्रेस नोट आपको निकाल ही देना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, दूसरा और तीसरा 9 अगस्त को जो है हम लोगों को जो इसको हटा, ये जो पूरा नारा जो यहाँ पर दिया गया है उसमें सरकार वाली बात को लेकर के जो यहाँ पर चर्चा हुई, बहुत सारे साथियों को कहना है कि सरकार की बात नहीं होनी चाहिए और केवल ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और मतपत्र वापस लाओ, है ना, है ना, इस तरीके की बात होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे हाउस की सहमति है, है ना, है ना। तो क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक बात हम कर रहे हैं, हाथ ऊपर करिए के ऊपर ही हमारा तो सहमति है सबकी, तो ये सब हम लोगों के जो प्रस्ताव हैं ये यहाँ पर पारित हुए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे जो साथी हैं जिनको अध्यक्षता करना था, है ना, वो यहाँ पर अब अपना समापन के तौर पर नहीं आप प्लीज करिए, जो फाइनल पर्चा हम लोग बांटेंगे जनता के बीच, मतलब मेरी अपनी ये राय है कि एक तो हिंदी में हमें रखना चाहिए, तो हिंदी के अलावा भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा लेकिन एक हिंदी में हमें रखना चाहिए, और हाँ नहीं ये वाला नहीं, सिर्फ ये तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर प्रचार हमको करना है आम जनता के बीच हमें बहुत ही सिंपल फॉर्म में हैंडबिल की तरह एक पर्चा, और A4 साइज में नहीं उससे छोटा होना चाहिए, और मोटे मोटे अक्षर में हमको जो मेन हमें हमारा जो मुद्दा है वो हमें उसमें लिखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि हमें सारी तकनीकी चीज़ें समझाने की ज़रूरत है उस पर्चे में,
ये जो है ये हमारे बहुत ही लर्नेड प्रिविलेज्ड इलीट सेक्शंस हैं, उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो सड़क पे है आम जनता हमारी है वो उसको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है कि हमें ये समझ नहीं आता, हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है मशीन के अंदर और हमें इस पर भरोसा नहीं। उन्होंने देखा भी, एक्सपीरियंस भी किया इसको, तो अपने जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथी को ज़्यादा मुश्किल होता है समझाना, लेकिन आम जनता को हम समझा सकते। तो मुझे लगता है जैसे हमारे साथी ने कहा कि हमें मोटी मोटी के माना कि हम क्यों, हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है और हम बैलेट पेपर पे वापस जाना चाहते हैं, अगर हमें डेमोक्रेसी बचानी है उसको मोटा मोटा एक बनाना है तो दिल्ली की कमेटी भी इस पर काम कर सकते, दिल्ली बॉम्बे के साथी मिल के काम कर सकते हैं और फिर उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, कोई और सुझाव उसमें आए। उस पर्चे को फिर हमें डिसेमिनेट करना होगा, बांटना होगा, मेट्रो स्टेशन्स पे साथी बांटे, बाजारों में बांटे, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में बांटे ताकि आम जनता के बीच वो बात पहुंचे और इसके बाहर जाए, नहीं तो ये आंदोलन बाहर नहीं जाएगा। अगर हम सिर्फ जंतर मंतर पे धरना कर देंगे उसमें भी वही गिने चुने लोग आते हैं जिनको पहले से पता है, जो पहले से कन्विंस्ड हैं, लेकिन आम ग्रास रूट में, हमारे लिए दिल्ली में तो ग्रास रूट ये सड़कों पे जाइए, बस्तियों में जाइए, जहाँ जहाँ लोग काम करें वहाँ जाके उसको बांटें और फिर ज़बानी भी समझाइए। सब लोग पढ़े लिखे नहीं कि समझ जाएंगे पर्चा देने से। और बाकी ये कि जो आपके पास ऑलरेडी पहुँच गया होगा ये रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन को हम लोग अगर आप लोग सर्वसम्मति से अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं, कैसे मेरे पास इंग्लिश वाला है, रिजेक्ट ईवीएम टू सेफगार्ड इलेक्टोरल प्रोसेस एंड सेव इंडियन डेमोक्रेसी। पत्ता पत्ता है, पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा मुझे। हिंदी में कोई पढ़ लो ना, मोटा मोटा वही है कि जो मेन हमारे पॉइंट्स थे, जो रिजल्ट आया था उसके बाद ये जो वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट जो है हमारा ईवीएम्स, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ईवीएम के इस्तेमाल से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है और इसमें जो सबसे बड़े बड़े मिस जो डिस्क्रेपेंसीज आई हैं वो इसी फिगर्स में मिसमैच की बात है, स्टोरेज और सेफ्टी, ये ईवीएम्स की जो स्टोरेज है उसकी बात है कि उसमें क्या जो जिस तरह से हर जगह खुले में घूम रहे थे और कोई विजिलेंस नहीं, कोई जीपीएस ट्रैकिंग नहीं थी, जो 20 लाख मिसिंग ईवीएम है उसकी बात है जिसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है ढंग का ईसीआई से, और ईवीएम के टैम्परिंग के बारे में कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी की बात है तो उसको वो इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है और लोगों का वोट बिना बाहर से कुछ पता चले वो चोरी हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होने का जो दावा था ईसीआई का वो बिल्कुल झूठ साबित हो चुका है, वो रीप्रोग्रामेबल है। और ये हाँ एक चीज़, हाँ ये ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने माना है कि जीपीएस ट्रैकिंग नहीं होती है। 2017 का इलेक्शन उत्तराखंड वाला, उसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है कि ईवीएम के नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे, और बोट्सवाना वाली भी बात है कि वहाँ पर ईसीआई से भेजा जाना था यहाँ से ईवीएम्स को, और वहाँ बहुत सारे डाउट्स एक्सप्रेस किए गए। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो जो यहाँ से कॉल दी गई है 17 तारीख की, दो दिन बाद, कि पूरे देश में कम से कम ये जो 16 राज्य हैं दिल्ली को इंक्लूड करते हुए, वहाँ पे एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट सब जगह कर दिया जाए फौरन, तो उसमें एक बार आप मीडिया में चला जाएगा तो और लोग उसके साथ जुड़ने में हमको आसानी होगी। हाँ, बम्बई 17 को कर रहा है, लेकिन अगले 3-4 दिन में जैसे जो जब कर पाए, लेकिन हमारा जो अनुभव है नेशनल कॉल देने का वो ये है कि जब आप एक ही दिन कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसका जो ट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अभी जो आपने जो चीज़ रह गई, एक्चुअली अभी जो आपने हैशटैग की बात की, जो पूरा डिस्कशन रह ही गया, वो मुझे लगता है कि अगर 17 को 16 स्टेट्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उस दिन हम एक फिर ट्विटर कैंपेन साथ में करते हैं जिसमें हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस दिन इसको ट्रेंड कर सकें। और बाकी तो लड़ाई लंबी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ आई, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन थैंक्स टू नंदिता कि उन्होंने, मैं हाथ उठा रही थी वो सुनीलम जी ने देखा नहीं मुझे ये लगा कि
अगर ये इतने डर के राजनीति ना कर रहे होते तो शायद देश के ये हाल ही ना हो। पॉलिटिकल मेरा अपना मानना है कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन अगर मीडिया को बुला के राहुल गांधी ने ये कहा होता वी डोंट एक्सेप्ट दिस डिसीजन, दिस इज ईवीएम मैनिपुलेशन, तो देश के हाल ही और जिस तरह से डरा सहमा बैठा है सारा देश और पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह डरी सहमी बैठी है दूसरा रूप होता। वो आज भी डरे हैं और क्योंकि वो आज भी डरे हैं इसलिए आपको और हमको खड़े होना लाजमी है। लोकतंत्र अगर बचाना है तो वो हमारी ही जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टीज पीछे से कहीं हाथ हिला रही होंगी लेकिन सामने आने को तैयार नहीं है, तो सामने हमको ही आना पड़ेगा। एक बार दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम के खिलाफ हम 2013 से दोबारा 2013 से लड़ रहे हैं। जन आंदोलन और कोर्ट ये हमारे आंदोलन की पद्धति होती है। हम कोर्ट में भी गए थे, मेरा पिटीशन था और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम डिपेंडेबल नहीं तब से हम प्रचार कर रहे हैं। उसका नतीजा आज तक यह आया कि आज इतने लोग आए थे, अच्छे पार्टी के लोग आए, मैं शबनम अजबी दिल्ली में ये और अपने जो बच्चे है ज्योति है मीठे फिरोज है इन सबका मैं आभारी हूँ क्योंकि इनके वजह से ये हो गए। आज हम दुनिया देश भर में ये आंदोलन ले जा रहे हैं। मैं हरियाणा में गया, पंजाब में गया, मध्य प्रदेश में गया और मेरे बैनर लगा के लोगों ने ईवीएम खिलाफ़ आंदोलन शुरू किया है। मेरे नाम के बैनर है कि जस्टिस कुलचे पाटिल के लीडरशिप में हमें कर रहे तो आज माहौल बन रहा है। हम सब लोगों को ये माहौल को आगे बढ़ाना है तो आपके माध्यम से मैं सबको विनती करता हूँ कि ईवीएम हटाना ये देश के संविधान के हम सब भारतीयों के हित में है। यदि ईवीएम नहीं हटाएंगे तो मोदी शाह जैसे गुंडे झूठ के पुलिंदे कभी सत्ता से नहीं जाएंगे और हमें देश को तो अभी बर्बाद कर रहे हैं, देश का सब संपत्ति बेच रहे हैं, कुदरती संपत्ति बेच रहे हैं, इतने फ्रॉड्स हैं। ये सब फ्रॉड्स ईवीएम हटाए बिना हम रोक नहीं सकते क्योंकि हम आज विकलांग हो गए हैं। सब विपक्षी पार्टियां भी इसमें डर रहे हैं, डर का माहौल है। इस डर के माहौल में हमारे जैसे लोग जो मरने को डरते नहीं वही ये काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि जो हमने 30 मई को मुंबई के आज़ाद मैदान से शुरू किया वो अभी देश के कोने कोने में पहुंचा है। जय भारत। मेरा नाम शबनम हाशमी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और अनहद की नाम की संस्था से मैं जुड़ी हुई हूं। आज ये ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन का राष्ट्रीय परामर्श दिल्ली में हुआ जिसमें 16 राज्यों से लोग आए और यहाँ पूरे दिन की बातचीत हुई और जो आने वाले साल है उसमें हम किस तरह से ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करवा सकें उसकी एक स्ट्रैटेजी की प्लानिंग हुई है। 9 अगस्त की नेशनल कॉल, राष्ट्रीय कॉल दी गई है कि पूरे देश में 9 अगस्त को अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम किए जाएं ईवीएम विरोधी। हम लोग दिल्ली में भी इसमें कोऑर्डिनेट भी करेंगे नेशनल लेवल पे और दिल्ली के स्तर के जो कार्यक्रम हैं जिसमें धरना प्रदर्शन, कॉलेजेस में जाना, लोगों तक पहुंचना, आम जनता तक पहुंचना, ईवीएम किस तरह से मैनिपुलेट होती है और उसको किस तरह हटा के, प्लस यहाँ पे क्योंकि राजधानी है इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी जो पूरा कोऑर्डिनेशन है उसका काम भी हम लोग यहाँ करेंगे।